आज पूरी ही दुनिया में गूगल कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, जिसके पीछे की वजह है उनकी सोच। वो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गूगल के हेड ऑफिस में आज भी घास को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। उनका यह मानना है कि जब मशीनों को चलाया जाएगा तो उनकी आवाज से वहां के एम्प्लॉइज डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से वहां मशीनों की जगह पे बकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, गूगल के हेड ऑफिस में आज भी 200 के करीब बकरियां रखी गई हैं जो कि घास को खाती हैं। वैसे बहुत अमेजिंग आइडिया है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, चलिए मैं आपको आज मैथ्स के दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर वन, आपने मैथ्स में फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में तो सुना होगा, वही 1/2, 2/3, 3/4। तो मेरा सवाल यह है कि जो बाई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी कोई नाम है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है विनकुलम। याद रखिएगा, विनकुलम। फैक्ट नंबर दो, जीरो अकेला ऐसा नंबर है जो कि रोमन संख्या में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये दोनों फैक्ट आपको जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आप लोगों को दो अलग अलग बर्तन में सेम क्वांटिटी में, एक में ठंडा पानी और दूसरे में गर्म पानी भर के दूं और आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों में से पहले बर्फ में कौन कन्वर्ट होगा, तो शायद आप लोग जवाब देंगे ठंडा पानी, क्योंकि गर्म पानी को पहले ठंडे पानी के लेवल तक आना होगा और उसके बाद वो बर्फ में कन्वर्ट होगा, जिसमें समय ज्यादा लगेगा। लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती। साइंस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में पहले बर्फ में कन्वर्ट होता है। इस इफेक्ट को एम पेम्बा इफेक्ट भी कहते हैं और इसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इस फैक्ट के बारे में क्या आप पहले से जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे? अब आप लोग कहेंगे 0 रुपए के नोट वो किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे और उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपसे आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये नोट दो और हमें बताओ। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे। ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।